नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त रोहित बिसाई और आप देख रहे हैं युग वाणी टाइम्स। आज हमारे साथ देश की पहली आईपीएस ऑफिसर, महिला आईपीएस ऑफिसर मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है मैडम और आपका हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सो मच। थैंक यू। निर्भीक प्रशासन की क्या परिभाषा रहेगी आपकी? ईमानदारी से, लगन से, त्याग से, भावना से, संपर्क से, अकाउंटेबिलिटी से, विजिबिलिटी से, दिखते पब्लिक ऑफिसर दिखना चाहिए। इंटेलिजेंस ऑफिसर है तो छिपना चाहिए, है ना, लेकिन अगर पब्लिक सर्विस में तो दिखना चाहिए, बात करते निकलना चाहिए, समझना चाहिए, पब्लिक को जोड़ना चाहिए। सो ये है, दिस इज कॉल्ड निर्भीक। निर्भीक आप ऐसे थोड़ी बेईमानी होके तो निर्भीक कैसे बनोगे, फिर तो डरोगे हमेशा, पकड़े ना जाओ। निर्भीक तो वही होगा जिसको कुछ छिपाने नहीं है, सिर्फ पब्लिक संपर्क, उसका सिर्फ एक ही लक्ष्य है, मुझे पब्लिक की सेवा करनी है जी। किस उद्देश्य को देख कर लिखी गई है किताब? इसीलिए ताकि बता दिया जाए कि ये, इसके लिए कोई धन मन नहीं चाहिए, इसके लिए सिर्फ मन चाहिए, इसके धन नहीं चाहिए, बल्कि धन बच जाएगा, धन बेटर यूज होगा अगर हम ईमानदारी से निर्भीक होकर काम करेंगे। तो क्या किताब के अंदर आपके कोई जो निजी जिंदगी के जो संघर्ष है उसको भी दिखाया गया? उसकी डाइवर्शन नहीं मैंने की, क्योंकि ये, लेकिन एक बात याद रखना, नेतृत्व जो होता है वो पर्सन होता है, पहले जो आप हो वही नेतृत्व होता है। कितनी देर आप छिपाएंगे, तो अगर बेईमान हो तो कितनी देर छिपाएंगे कलर दर शर्ट, आपकी निकल आएगी बात। यहाँ तक ये है कि राजनिवास में मुझे जो भी गिफ्ट मिली वो सब डोनेट हो गई, वापस आगे चली गई। तो ये कहीं ना कहीं तो पकड़े जाओगे अगर आप कुछ छुपाओगे, कुछ दोगे, ऐसा नहीं। सो जो सच्चाई है, जो ईमानदारी है, वो हमेशा चमकती है और वो फिर रिजल्ट भी लाती है। लक्ष्य और लोगों में लोगों का विश्वास जीतना सबसे इम्पोर्टेंट है। लक्ष्य और ड्यूटी के बीच में काफ़ी संतुलन बनाना होता है, तो इसका यू सो राइट, लेकिन उसके लिए परसिवियरेंस चाहिए, हिम्मत भी चाहिए, और मैंने कोई ना उसमें त्याग चाहिए, लेकिन एक पर्पज़ होना चाहिए कि मैं ये, मेरा लक्ष्य क्या है, लक्ष्य में, और मैं हूँ किस लिए इधर, मैं हूँ पब्लिक सर्विस के लिए जी। वो लक्ष्य से भटकना नहीं है जी। तो क्या कहना चाहोगे देश के, कोई मैसेज आपका जो देशवासियों के लिए? ये बुक एक मैसेज है, बुक पढ़ लीजिए, इसीलिए तो हम बांट रहे हैं डायमंड बुक्स, मैसेज बुक पढ़ लीजिए, इसमें मैसेजेस हैं जी। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपकी इस किताब के लिए।